वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो आज जो टॉपिक मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी वो है क्रेब साइकिल या जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं लेकिन इससे पहले कि हम इसकी डिटेल पे मूव ऑन करें, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियोज अब जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आपके पास ग्लूकोज की जब होती है ग्लाइकोलाइसिस से ठीक है आपके पास पायरोवेड आता है और पायरोड से आपके पास एसिटाइल को थीके? थीके? तो ए इन्जाइम बनता है ठीक है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू इनिशिएट द क्रैप साइकिल ठीक है तो जसीटाइल को इन्जाइम ए है वो आपके पास ग्लूकोज से भी आता है और फैटी एसिड से भी आता है ठीक है हमने ग्लूकोज वाला जो है वो तो डिस्कस कर लिया है लेकिन फैटी एसिड्स वाला जो है वो हम आगे जो है लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में जो है वो जाके देखेंगे ठीक है लेकिन आपके पास इन दोनों चीज़ों से एसिटाइल को ए आता है अब बेसिकली जो एसिटाइल कोए को ए आता है वो आपके पास जो है फर्स्टली एंटर होता है क्रैप साइकिल में जो ऑक्जैल एसिटाइल कोए को ए और ऑगजैलो ठीक है ये दोनों जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ मिलते हैं इन्जाइम सिट्रेट सिंथेज और वो कन्वर्ट करवा देते हैं कन्वर्जन हो जाती है इंटू सिट्रेट ठीक है मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो एसिटाइल को इन्जाइम ए है और ऑक्जैलो एसिटेट है वो आपके पास जो है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्जाइम सिट्रेट सिंथेज ये कन्वर्ट हो जाता है इन्टू सिट्रेट ठीक है ये आपके पास इसका जो है ये फर्स्ट स्टेप है साइकिल का अब ये जो आपके पास सिट्रेट बनता है ये कन्वर्ट हो जाता है इंटू आइसोसिट्रेट सिट्रेट और आइसोसिट्रेट जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं ठीक है तो ये आपके पास जो सिट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू आइसो सिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अकोनीटेज ठीक है अकोनीटेज आपके पास एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में सिट्रेट जो है वो आइसोमराइज हो जाता है इनटू आइसो एस आइसोसिट्रेट अब ये जो आइसो बना है ये आपके पास जो है कन्वर्ट हो जाता है इंटूअल्फा कीटोग्लुटोरेट इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजीनियज ठीक है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजीनियस इंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लुट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली आइसोसिट्रेट की यहाँ पर होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा डीकार्बोक्सिलेट तो इस स्टेप में आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा ठीक है मोर ओवर आपके पास इस स्टेप में NADH की प्रोडक्शन होगी ठीक है ये NADH की प्रोडक्शन होगी टोटल आपके पास क्रैप साइकिल में तीन NADH जो है वो प्रोड्यूस होते हैं तो ये वो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर NADH की प्रोडक्शन एक NADH बना है ठीक है बाकी दो आगे साइकिल में बनेंगे तो ये वाला जो है इस स्टेप में आपके पास क्या हुआ कि आइसोसिट्रेट से आपके पास जो है वो एल्फा कीटोग्लोट्रेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस और यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हुआ है और साथ में आपके पास यहाँ पर एन की जो है वो प्रोडक्शन हुई है इस स्टेप में ये आपके पास जो है इसका जो है रेट लिमिटिंग स्टेप है ठीक है ये आपके पास का इंपॉर्टेंट स्टेप है और जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था कि उसका तो एक रिमिट रेट लिमिटिंग स्टेप था ना जिसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फ्रुक्टोकाइन वन यूज़ हुआ था तो जो क्रैप साइकिल है इसके तीन ऐसे जो है वो स्पॉट्स हैं साइकिल में जो कि जहाँ पे साइकिल रेगुलेट होता है तीन रेट लिमिटिंग एंजाइम्स और स्टेप्स हैं ठीक है थीके? इसी तरह अब जो आपके पास आइसोसिट्रेट से अल्फ़ा कीटोग्लोट्रेड बनता है जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सक्सिनाइल कोए ए इन ठीक है कोए में कन्वर्जन होती है ये स्टेप सिमिलर है पिछले स्टेप के ठीक है इसमें आपके पास जो है अगेन अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजीनियस एंजाइम यूज होगा ठीक है और यहाँ पर भी बेसिकली अल्फा कीटोग्लूट्रेट की डी हुई है ठीक है तो यहाँ पर जब डी होगी तो ज़ाहरी बात है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ यहाँ पर और यहाँ पर भी आपके पास एन की प्रोडक्शन होगी मतलब आप ये कह सकते हैं ये दोनों स्टेप्स मिलते जुलते हैं ठीक है ये आपके पास जो है आइसो सॉरी एल्फ़ा कीटोगलोट्रेट से जो है वो सक्सिना बन गया ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि जो सक्सीनाइल को ए है वो आपके पास कन्वर्ट होगा इन टू सक्सीनेट ठीक है ये आपके पास अब आ, होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सीनेट को सक्सीनाइल को ए सिंथटेज या सक्सीनाइल कोए थायोकाइनेज ठीक है थायोकाइनेज और मतलब ए की जो है इंजाइम का नाम है सक्सीनाइल को ए सिंथटेज और सक्सीनाइल को ए थायोकाइनेज इस स्टेप में आपके पास जो है क्या होगा कि कन्वर्जन होगी सक्सीनाइल को इंजाइम की इंटू सक्सी और इस स्टेप में आपके पास जो है वो जी टी पी की प्रोडक्शन होती है ठीक है जीडीपी की प्रोडक्शन जीडीपी की प्रोडक्शन होती है और जीटीपी और एटीपी आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं ठीक है थीके? तो इस तरह जो जी प्रोड्यूस होता भी है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू एटीपी तो बेसिकली इस स्टेप में हमारे पास क्या हुआ है जो सक्सीनाइल को ये है वो कन्वर्ट होता है इंटू सक्सीनाइट और यहाँ पर आपके पास जो है वो जी टी पी की प्रोडक्शन होता है बट जी टी पी इज़ इंटरकन्वर्टेबल तो वो ए टी पी की ही प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली करवाता है ठीक है फिर आपके पास जो है सक्सीनेट जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू फ्यूमरेट ठीक है फ्यूमरेट रेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्जाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस ठीक है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस इन्जाइम के प्रेजेंस में जो है वो आपके पास ये कन्वर्जन होती है और यहाँ पर जो आपके पास को इन्जाइम यूज़ होता है वो यूज़ होता है एफ ठीक है एफ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन टू एफ ठीक है तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि आपके पास जो है जो है दो एन की प्रोडक्शन हुई है ठीक है और साथ में आपके पास जो है एक एफ ए डी एच टू की जो है वो प्रोडक्शन हो चुकी है आ, आ, क्रैप साइकिल में नेक्स्ट आपके पास जो फ्यूमरेट रेट है उससे कन्वर्ट होता है मैलेट में ठीक है फ्यूमरेट रेट जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू मैलेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमर रेज ठीक है फ्यूमर रेज रेट की जो है वो कन्वर्जन होती है इंटू मै लेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमर एज और यहाँ पर आपके पास जो है वो वाटर की प्रेजेंस में ये जो है रिएक्शन होता है ठीक है फाइनली फिर मै आपके पास जो है वो कन्वर्ट बैक हो जाता है इंटू ऑक्जैलो एसिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डीहाइड्रोजीनेज ठीक है और यहाँ पर आपके पास जो है वो साइकिल के में जो प्रोडक्शन होती है तीन एन की वो थर्ड एन की यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन हो जाती है और आपके पास जो है ऑक्जैलो जो है वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है फिर आपके पास नेक्स्ट जो कोइंजाइम ए आता है वो इसके साथ मिलके तो आपके पास से ट्रेड की जो है वो फॉर्मेशन करवाता है तो बेसिकली ये आपके पास पूरा साइकिल है और इसके वजह से आपके पास जो है एटीपी की प्रोडक्शन जो होती है वो हम देखेंगे कि कितनी ए की जो है वो प्रोडक्शन होती है अच्छा अगर हम ओवरऑल अब जो है अगर काउंटिंग करें तो आपके पास एक ठीक है दो और तीन ठीक है थ्री एन की प्रोडक्शन हुई है यहाँ पर ठीक है एक एफ टू बना है और यहाँ पर आपके पास एक ए की प्रोडक्शन हुई है ठीक है तो अगर हम ओवरऑल जो है गिने वन एन आपके पास जो है वो थ्री ए जनरेट करता है वन एफ ए डी एच टू आपके पास दो ए टी पी जेनरेट करवाता है और ये जो जी टी पी है जो कन्वर्ट होगा ए टी पी में वो आपके पास वैसे ही एक कंसिडर होगा तो कुल मिला के जो ये आपके पास एन ए डी एच थ्री हो गए थ्री ये हो गए सिक्स और थ्री ये नाइन ए टी पीज़ एन ए डी एच से आए दो यहाँ से हो गए ठीक है इलेवन और एक ये वाला हो गया तो ये आपके पास टोटल ट्वेल्व ए टी पीज की प्रोडक्शन हुई है जब आपके पास एक दफ़ा क्रैप साइकिल चला है ठीक है इसी तरह जितने स्टेप्स चलेंगे उतने आपके पास जो है वो ए टी पी की प्रोडक्शन होगी लेकिन एक दफ़ा साइकिल जब चलता है तो उससे आपके पास जो है वो ट्वेल्व ए टी पी की प्रोडक्शन हुई है